गाइस वेलकम बैक टू द टीओसी प्लेलिस्ट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पुश डाउन ऑटोमेटा। तो पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होगा, ये एडवांस वर्जन कह सकते हैं। तो पीडीए आर द एनहेंस वर्जन ऑफ द फाइनेट ऑटोमेटा। फाइनेट ऑटोमेटा यानी डीएफए का अपन बोल सकते हैं कि एनहेंस वर्जन, उसको बढ़ा के है, तो मतलब कुछ एडिशनल एड हुआ है। एड क्या हुआ, इसके अंदर एक स्टैक मेमोरी एड हो गई है, जिस दैट इज वाई वी कैन से इट इज ए पुश डाउन ऑटोमेटा। पुश कर रहा है क्योंकि स्टैक क्या करता है, पुश पॉप करता है ना, तो पुश डाउन ऑटोमेटा इसको बोला गया। एडिशनल स्टैक मेमोरी एनहेंस द कैपेबिलिटी ऑफ द पीडीए एज कम्पेयर टू द फाइनेट ऑटो। बिल्कुल सही है। इसके डायग्राम क्यों मूव ऑन करते हैं, उससे पूरा समझने की कोशिश करते हैं। दो पॉइंट मेजर होते हैं, वो इसको क्या शो कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि पुश डाउन ऑटोमेटा कैसे फाइनेट ऑटोमेटा से अलग है। तो अलग इसलिए क्योंकि इसकी नेक्स्ट स्टेक जो होती है डिटरमाइंड नॉट ओनली द इनपुट सिंबल, ना केवल इनपुट सिंबल से चेंज होगी बल्कि आपके स्टेक के अंदर क्या है, टॉप के ऊपर, टॉप में क्या है, उसके ऊपर भी डिपेंड होगी आपकी नेक्स्ट स्टेट। एक दूसरी चीज़, द कंटेंट ऑफ द स्टेक कैन बी आल्सो बी चेंज एवरी टाइम एन इनपुट सिंबल इज रीड। बिल्कुल सही है। इसका डायग्राम देखो इनपुट है वही सिंबल, फाइनेट कंट्रोल वही था। अब इसके अंदर एडिशनल एड हुआ है, वो है आपकी स्टेक मेमोरी। आप देख सकते हो यहाँ पर पूरी तरह से चेंज हो गई है। तो टॉप ऑफ द स्टेक के ऊपर जो होगा और अपने इनपुट होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी आपकी नेक्स्ट स्टेट। और अगर बात करूँ इसको, तो इसको मैथमेटिकल डेफिनेशन की, तो इसके बाद सेवन टपल होते हैं। सेवन टपल क्या होते हैं, क्यू समीशन लैम्डा डेल्टा क्यू जीरो जेड जीरो एंड एफ, जिसके अंदर आपको ये वाला आता है जो आप फाइनल ऑटो में पढ़ चुके हैं। रह गया कौन सा, एक लेमडा रह गया आपका, जेड जीरो रह गया। तो बात करें तो लेमडा क्या होता है, लेमडा होता है एक फाइनल नॉन एम्प्टी सेट ऑफ द पुश डाउन सिंबल। अब मैं इसके बात करूँ तो ट्रांजिशन फंक्शन की, तो क्यू मल्टीप्लाई समीशन एंड ये अपना नल आ गया, देन मल्टीप्लाई में लेमडा आ गया, तो क्यू मल्टीप्लाई लेमडा स्टार हो गया। इनिशियल स्टेट हो गई आपका जेड जीरो, क्या है स्टार्टिंग स्टैक सिंबल, यानी कि स्टैक में टॉप पर सबसे पहले यही पड़ा है जेड जीरो, उसके बाद कोई भी आए उसको तो अपन देख लेंगे। अब ये एफ क्या है, ये आपकी फाइनल स्टेट हो गई, जिसको बोलता है कि बिलोंग करता है क्यू को। एंड सम टाइम क्या होता है कि एफ इक्वल टू फाइव हो जाता है। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है एल इक्वल टू क्यू की पावर एन, सॉरी जीरो की पावर एन एंड वन की पावर एन, एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एन की वैल्यू आप कुछ भी लेके देखो और उसकी लैंग्वेज बढ़ाओ। मैंने एन इक्वल टू थ्री लिया सिंपली, तो मेरे को मिला थ्री टाइम जीरो और थ्री टाइम वन। ओके गॉट इट। अब मैं इसको अगर टैप के अंदर लिखना चाहूँ तो ये मेरा टैप आ गई, इनपुट टैप के अंदर स्टार्टिंग में बताया था डॉलर था और लास्ट में आपका आता है साई, साई और डॉलर आ गया, उसके बीच में क्या है जीरो 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 वन 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 वन, तो ये तीनों छः के छः इसमें आ गए। अब पहला स्टेप क्या कहता है कि आपको नेक्स्ट स्टेट कैसे मिलेगी, एक तो इनपुट सिंबल और आपका जो स्टेक के अंदर है टॉप के टॉप पर उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपको सब देखिए टैप के बाद हमें ये जो है ये हम बाद में लिखते हैं, पहले डायग्राम बनता है। तो डायग्राम कैसे बनेगा, सपोज कीजिए जीरो मेरा टॉप पे क्या है जेड जीरो और सबसे पहले क्या आया जीरो, ठीक है। तो अगर मैं अपना जीरो पुश कर रहा हूँ स्टैक के अंदर, तो सबसे ऊपर अब क्या चल जाएगा जीरो और उसके नीचे क्या आएगा जेड जीरो, तो ये कहीं पर वापस वहीं पे ही जो क्यू जीरो पे ही रहने वाला है, क्योंकि अपन पुश कर रहे हैं पुश के केस में से होता है। अब फर्दर अगर जीरो आया, क्योंकि सेकेंड वन में भी क्या है जीरो, तो वो जीरो भी इसी में चल जाएगा। और जैसे दोबारा जीरो आएगा तो हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि वो की वही चीज़ हम यहाँ इसके द्वारा एक ही बार में शो कर सकते हैं क्योंकि लूप चल रहा है। अब इधर देखो जीरो पुश करा तो टॉप पे था जेड जीरो, तो अब क्या हो गया जीरो जेड जीरो, तो हमने इसको ऐसे शो कर दिया। अब मेरा क्या है टॉप पर जीरो है, तो जीरो रखने पर जीरो दोबारा जीरो पुश करने पर टॉप पर जीरो है, तो क्या हुआ जीरो जीरो हो गया। अब क्या है कि तीनों जीरो चले गए लूप के थ्रू। अब क्या है कि मेरे को पॉप करना है, पॉप कैसे करूँगा कि अगर मैं यहाँ से वन देने पर जीरो बाहर निकाल दूँ तो बचेगा क्या नल, वन देने पर जीरो निकाल दूँ तो बचेगा क्या नल, तो ये हो गया। अब कितनी बार है, दो बार और करना है, तो क्यों ना मैं लूप चला दूँ, तो मैंने यहाँ लूप चला दिया कि वन देने पर जीरो बाहर निकल रहा है मेरा बचेगा नल, तो ऐसे ही दो बार चल जाएगा। इस बार क्या बचेगा टॉप पर जेड जीरो बचेगा और मेरा यहाँ पर क्या है नल, तो नल देने पर जेड जीरो टॉप पर रहेगा तो लास्ट में क्या निकलेगा जेड जीरो, तो मेरा यहाँ पर क्या बचेगा फाइनल स्टेट मुझे मिल जाएगी। तो हमने ये सब देने पर इस तरह को ऐसे शो करते, पहले डायग्राम बनाओ उसको समझो उसके थ्रू आपको ये इम्प्लीमेंट करना है सिंपली। मैं चाहता तो इसको तीन बार कर सकता था कि जीरो देने पर जीरो और जीरो जीरो, तीन बार इसलिए नहीं करा क्योंकि देखो यहाँ लूप चल रहा है तो लूप में डबल बार काम हो जाएगा एक ही बार से, ऐसे यहाँ पे हुआ है कि डबल बार जीरो निकल जाएगा वन देने पर क्योंकि लूप के अंदर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह से हम पुश डाउन ऑटोमेटा करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।